हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा मोहन ब्लॉग। तो आज दोस्तों हम लोग सीटेट का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरने वाले हैं। सो अगर आप लोग में से किसी को सीटेट फॉर्म भरने में हेल्प चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कैसे सीटेट का फॉर्म भरना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें अपना एक जीमेल ओपन कर लें, साथ ही गूगल क्रोम टैब ओपन करें और जो है न्यू टैब में गूगल में सर्च करें सीटेट फॉर्म 2023। अप्लाई करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो वेबसाइट आ रहा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इंडिया। तो इसी सीटेट के वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एरो बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जेन 2024। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको ये पेज आ जाएगा जिस पर लिखा हुआ अप्लाई फॉर सीटेट जेन 2024, पब्लिश डेट नवंबर 3, 2023। यहाँ एक लिंक दिया हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट जेन 2024। तो डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा जिससे कि आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको इस लिंक का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है ऑलरेडी आप देख सकते हैं अब क्या है, न्यू रजिस्ट्रेशन ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करना है, उसके बाद जो है यहाँ क्या है रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फी पेमेंट करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ ज़रूरी है। जैसे प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024 केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कह रहा है कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सीटेट जेन 2024 ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट https://सीटेट.nic.in। फॉर ऑनलाइन सबमिशन https://सीटेट.nic.in। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन एट बोथ्स वेबसाइट। तो आप जनरली आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी फॉर कन्फर्मेशन पेज टू सीटेट यूनियन। मतलब आप लोगों को कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन ही सब जो भी आपका है उसको स्कैन करके इसमें सबमिट कर सकते हैं। जहाँ तक एग्जामिनेशन फी का बात है तो जनरल और ओबीसी एनसीएल के लिए 1000 रुपया है पेपर 1 एंड 2 के लिए। और अगर अगर आपको कोई एक पेपर देना है जैसे कि सिर्फ पेपर 1 देना है तो भी 1000 लगेगा, सिर्फ पेपर 2 देना है तो भी 1000 लगेगा, और अगर आपको दोनों पेपर 1 एंड 2 देना है तो 1200 रुपया लगेगा। उसी तरह SC ST और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपया है अगर आपको कोई एक पेपर देना है, अगर या पहला पेपर देना है या दूसरा पेपर देना है, अगर दोनों देना है तो आपको 600 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, GST जो है इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। जैसे 1200 अगर दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1200 प्लस GST, अगर सिंगल पेपर पर भर रहे हैं तो 1000 प्लस GST। ठीक है, आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी भी तरह से आप अपना फी जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर 4 सिंपल स्टेप टू बी फॉलोड अप्लाई ऑनलाइन, मीन्स 4 सिंपल स्टेप आपको फॉलो करना है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के वक्त। पहला, फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर। कह रहा है पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद क्या होगा सिस्टम जनरेटेड आपको एक एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट शुड सप्लाई ऑल डिटेल्स वाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, मीन्स आप लोगों को सभी जो डिटेल्स है अपना करेक्ट डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में भरना है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ डाटा, एक बार आप लोग जो है सक्सेसफुली डाटा सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा एंड इट विल बी यूज टू कंप्लीट रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो एक बार जैसे ही आप डाटा भर दिए उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर से आपको आके लॉगिन करना है और उसके बाद फी जमा करना है, और फर्दर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको यूज करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मार्कशीट देख सकते हैं, ये सब जो है आप कर सकते हैं।
आपको जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट। तो पहले से ही आप लोग फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में करके अपने या तो मोबाइल या तो डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो या लैपटॉप, उसमें आप जेपीजी फॉर्मेट में अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर रख लीजिए। साइज ऑफ फोटो इमेज मस्ट बी ग्रेटर देन 10 KB। जो आपका फोटो का इमेज होगा वो 10 KB से बड़ा होना चाहिए और 100 KB से छोटा होना चाहिए। तो आप लोग कंप्रेस इमेज का ऑप्शन चूज करके अगर आपका फोटो जो है ज़्यादा साइज का है तो उसको 10 KB से ज़्यादा बड़ा और 100 KB से कम कर सकते हैं। उसी तरह से सिग्नेचर का भी है, 3 KB से बड़ा होना चाहिए और 30 KB से छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी फोटो कंप्रेसर यूज कर सकते हैं अगर आपका इन दोनों के बीच में नहीं है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। इमेज डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विथ 4.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। मीन्स ये फिक्स कर दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ का जो साइज होगा वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर शुड बी 3.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1.5 सेंटीमीटर हाइट ओनली। तो यहाँ जो कह रहा है सिग्नेचर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो लेंथ लंबाई जो है उसका 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए इतना तो एक्यूरेट आप लोग नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए आप लोग एमएस पेंट का यूज करके नियर बाय इतने लेंथ का बना सकते हो और उसके बाद उसको जो है फॉर्म भरने वक्त यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वंस द फी पेमेंट हैज बीन मेड, कैंडिडेट पार्टिकुलर कैन नॉट बी एडिटेड एट दिस स्टेज। एक बार आपने फी भर दिया उसके बाद जो है करेंटली जो है आप एडिट नहीं कर सकते हो। करेक्शन कैन बी मेड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड इन विच ऑनलाइन करेक्शन विल बी अलाउड एज पर द गिवेन शेड्यूल ऑफ सीटेड जनवरी 2024। तो क्या कर रहा है, एक बार आपने अप्लीकेशन का ये पेमेंट कर दिया उसके बाद जो है आप लोग तुरंत एडिट नहीं कर सकते हो, बट CBSE एक डेट निकालती है उसमें अगर आपको कोई त्रुटि रहता है तो उसको करेक्ट करने का एक चांस जरूर देती है। नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। एक भी चेंजेज ऑफलाइन मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको हमेशा जो है ऑनलाइन मोड से ही कोई भी डाटा में करेक्शन अगर बाय चांस मिस्टेकनली आपने गलत भर दिया है तो उसको सुधार सकते हो जब CBSE डेडलाइन देती है कि हाँ इस टाइम पे आपको डाटा में सुधार करना है, ठीक। पे एग्जामिनेशन फी बाय डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एग्जामिनेशन फी आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हो। उसके बाद प्रिंट कन्फर्मेशन पेज फॉर योर रिकॉर्ड एंड फ्यूचर रेफरेंस। जो वंस आप अप्लीकेशन फिल कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज आता है उसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको वो यूज आ सके। जो भी स्टेप हमने अभी डिस्कस किया वो सारे स्टेप मैंडेटरी हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ऑल स्टेप्स आर मैंडेटरी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन विल बी कंसिडर एज कम्प्लीट ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कन्फर्मेशन पेज बाई कैंडिडेट। मीन्स सभी स्टेप कंपलसरी हैं। वंस आप लोग जो है एप्लीकेशन सबमिशन कर देते हैं उसके बाद जब आपको कन्फर्मेशन पेज हो जाता है, मिल जाएगा रिसिप्ट, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ। तो ये डिटेल है। तो अब इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने हर एक डिटेल को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। उसके बाद यहाँ एक टिक बॉक्स है तो उसमें टिक कर देना है आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन देयर इन एज वेल एज दोज मेंशन्ड अबव एंड फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म अकॉर्डिंगली। तो क्या कह रहा है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो दिया हुआ है उसको आपने डाउनलोड कर लिया है और आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया है, साथ ही जो भी ऊपर दिया हुआ है वो सब भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो मैं भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बाद के लिए ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके रख लेता हूँ ताकि आगे अगर यूज करना हो एक बार इसको पढ़ के देख लूँगा क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। जनरली ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल है जो चेंज नहीं होता है। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हुआ तो जनरली ये सब चेंज नहीं होता है। एक बार आप भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, इसमें वही सिलेबस है और बाकी थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए फॉर्म भरने पे आते हैं। तो पहले यहाँ टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
हाँ, तो यहाँ अब कैंडिडेट नेम भरना है, तो ये सब डिटेल। एक्चुअली मैं आज फॉर्म अपनी वाइफ के लिए भर रहा हूँ, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स भर दूँगा। डिटेल्स को मैं एक्चुअली थोड़ा सा वेनिश कर दूँगा ताकि आप लोगों को पूरा डिटेल ना दिख पाए, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी की वजह से पूरा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कभी कभार प्रॉब्लम होती है, तो आप देख रहे हैं जैसा कि बार बार मैं कुछ भी टाइप करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे, तो अब सही हो गया। अब फादर्स नेम की भी, तो एक बार मैं ये सब डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग भी जो भी डिटेल है यहाँ उसको भर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी एंड विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप लोगों को आधार कार्ड अपडेट करना है, उसके लिए आप लोग सेलेक्ट करना एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, और यहाँ पे तब अपना आधार कार्ड का नंबर अपडेट कर देना। उसके बाद अपना डिटेल भरने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ आप अपना एड्रेस भर सकते हो। तो जो भी आप यहाँ पे एड्रेस भरोगे उसी के अनुसार आपका जो है, मतलब ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ETC, ये सब भरना है। उसके बाद आपका एक परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, उसमें आप लोग परमानेंट एड्रेस भरना, फिर पासवर्ड भरना है, फिर सिक्योरिटी पिन भरना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं ये सब डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर सकता इसीलिए। तो ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भरोगे, यहाँ पे जो भी आप भरोगे वो आपके सेंटर से रिलेटेड डिटेल्स होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटली आप जहाँ अवेलेबल हो वो डिटेल्स यहाँ भरना। और परमानेंट एड्रेस में आप अपने घर का, मान लीजिए मैं अभी बेंगलोर में प्रेजेंट हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सेंटर बेंगलोर देना है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ बेंगलोर से रिलेटेड एड्रेस भरूँगा। वहीं पे परमानेंट एड्रेस में, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस यानी कि बिहार का एड्रेस दूंगा, ठीक है? क्योंकि जनवरी में एग्जाम है, इसीलिए जो है जनवरी में मैं बेंगलोर में रहूँगा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बेंगलोर का ही एड्रेस दे रहा हूँ ताकि बेंगलोर में ही सेंटर पड़े। डिटेल भरने के बाद आप लोगों से पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप लोग एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आप लोगों को पासवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग्स, 8 से 13 कैरेक्टर का लंबाई होना चाहिए पासवर्ड का, एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक नंबर होना चाहिए, और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद उसका यहाँ सिक्योरिटी आंसर दे सकते हो। एक बार फिर से आप सारा डिटेल्स वेरीफाई कर लें, उसके बाद फिर हमने वेरीफाई कर लिया है, आप भी ये अपने तरफ से एक बार सारा डिटेल्स वेरीफाई कर लें, आइदर आपने फ़ोन नंबर सही भरा कि नहीं, ईमेल आईडी सही भरा कि नहीं, आधार कार्ड नंबर सही भरा कि नहीं, पापा का नाम सही भरा कि नहीं, मदर का नाम सही भरा कि नहीं, ये सब डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हमने वेरीफाई कर लिया है, तो हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं रिव्यू पेज का ऑप्शन आ गया। तो हम लोग पहले वाट एवर डिटेल्स हम लोगों ने फिल किया है उस सब को एक बार रिव्यू कर लेंगे कि वो डिटेल सही है कि नहीं है। जब आप लोग पूरा डिटेल वेरीफाई कर लें, तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो आपने अगर नाम वेरीफाई कर लिया तो इसको टिक कर लें, माय नेम, फिर फादर्स नेम वेरीफाई कर लिया तो इसको टिक कर दें, मदर्स नेम वेरीफाई कर लिया तो इसको टिक कर दें, डेट ऑफ बर्थ तो इसको टिक कर दें, जनरल वेरीफाई कर लिया तो इसको टिक कर लें, एड्रेस वेरीफाई कर लिया तो इसको टिक कर लें, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया। ये सभी वेरीफिकेशन करने के बाद इस सभी को टिक कर देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक
एक बार आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बट यहाँ मेरे से कोई गलती नहीं हुई, तो हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, हम लोग क्लिक करेंगे यस। उसके बाद जो है ये आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपने ओटीपी भर दिया, उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे, तो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। तो अब हम लोग क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल गया। तो जैसे आप पहले लिखा हुआ था कि हम लोग एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे या एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको लिख के रख लेना है। साथ ही आपको मेल पे भी या मैसेज में भी एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा। तो एक बार अपने मोबाइल को चेक कर लेना है, आपको मैसेज आया कि नहीं आपका एप्लीकेशन नंबर। तो मुझे यहाँ पे मैसेज में भी मिल चुका है ये एप्लीकेशन नंबर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा रहा है, अब पर्सनल डिटेल्स है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फाइनल सबमिट। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स हम लोगों को करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में ऑलरेडी यहाँ पे आपको सब फील्ड भरा हुआ है, जो जो फील्ड नहीं भरा हुआ है जैसे नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर एज ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो कि नहीं हो तो नो, उसके बाद आर यू ए पर्सन एज पर सेक्शन नो, देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ तीन ऑप्शन है, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। तो एक्चुअली माई वाइफ इज़ वर्किंग इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज ए टीचर, सो हमने सेलेक्ट किया एम्प्लॉयड अदर देन टीचर। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, ठीक है, तो सिक्योरिटी पिन में फिर से हम लोग भर देंगे जो नीचे लिखा हुआ है 11658M कैपिटल है, तो कैपिटल भरा। उसके बाद एक बार डिटेल्स आप लोग चेक कर लेना, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आई एम श्योर सो आई विल सबमिट दिस सेक्शन। उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स, ठीक है, तो अप्लाइंग फॉर, तो अभी मैं सिर्फ पेपर टू के लिए भरने वाला हूँ। अगर आपको दोनों पेपर भरना है तो बोथ पेपर वन एंड पेपर टू लिख सकते हैं, अगर सिर्फ पेपर वन देना है तो पेपर वन लिख सकते हैं, अगर पेपर टू देना है तो सिर्फ पेपर टू लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, प्राइमरी टीचर सिर्फ डीएलएड वाले ही बन सकते हैं, बीएड वाले अब सिर्फ 6 to 8 या आगे। तो हम लोग पेपर टू सेलेक्ट करेंगे अब। उसके बाद लैंग्वेज में तो लैंग्वेज वन में हम लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे, आप अपने अनुसार लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हिंदी, और लैंग्वेज टू में हम लोग संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, आप अपने अनुसार लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो वन आपको भरना है, अगर ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा, एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो ऑलरेडी प्रज्ञा जो है पास है विथ 50% मार्क इन बीएड। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन टू, आप अपने अनुसार जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वो सेलेक्ट कर लेना, जैसे ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये अपियरिंग वालों के लिए है। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट 50% अपियरिंग इन फाइनल ईयर 4 degree बैचलर। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के सूटेबल जो ऑप्शन होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है।
तो मेरे अनुसार जो प्रज्ञा के लिए सिलेक्ट करना है वो है 2, एटलीस्ट 15% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। सो प्रज्ञा हैज़ ऑलरेडी पास्ड सो ए फाइनल ईयर ऑफ BA, दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद यहाँ है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस। तो प्रज्ञा का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, आप अपने आंसर, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट करना है, अगर आपने BEd की डिग्री की है तो डिग्री सेलेक्ट करना है। तो प्रज्ञा ने डिग्री किया है इसलिए मैंने सेलेक्ट किया डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ ऑप्शन में एग्जाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस देना है, तो यहाँ मुझे देख सकते हैं आप लोग तीन ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने प्रेजेंट एवं परमानेंट एड्रेस बेंगलोर ही भर दिया है इसलिए। तो नियर बाई 3 स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, बिहार मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ हो नहीं रहा है। तो मैं कर्नाटका फर्स्ट सेलेक्ट करूँगा, उसमें बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन में फिर से कर्नाटका और मैं सेलेक्ट कर लूँगा हुबली, थर्ड ऑप्शन में फिर से मैं आंध्र प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा और तिरुपति सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद फिर एक तेलंगाना सेलेक्ट कर लेता हूँ और हैदराबाद सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने जनरली बेंगलोर में बहुत सारी जगह है तो इसलिए अगर फर्स्ट चॉइस देता हूँ बेंगलुरु तो आराम से मुझे बेंगलुरु का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो ट्रैवल करना पड़ेगा। बट जनरली अभी क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही है तो आई थिंक कि आराम से बेंगलुरु का सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी यहाँ भरना है P1868P7, नेक्स्ट पे हम लोगों को क्लिक करना है। उससे पहले एक बार सब चीज़ डिटेल्स चेक कर लेना, पेपर 2, क्लास 6 2, 8 हिंदी संस्कृत, 2 सोशल साइंस डिग्री, कर्नाटका हुबली आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ओके, देन वी विल क्लिक ऑन 7 नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आई विल क्लिक यस। उसके बाद है यहाँ डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है। तो एक्चुअली प्रज्ञा ऑलरेडी BEd पास है तो इसलिए मैं BEd पास लिखूँगा, आप अगर अपियरिंग हो तो आप अपियरिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपना अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग ईयर, अगर पासिंग है तो पासिंग ईयर। तो प्रज्ञा 2022 में ही BEd पास कर लिया तो इसलिए ईयर ऑफ पासिंग 2022। यहाँ पे एजुकेशन में एक ही ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ETC, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम का ऑप्शन आ रहा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अदर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रज्ञा का यूनिवर्सिटी है वो है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, वो इन ऑप्शंस में नहीं है। तो आप पहले सर्च कर लेना कि आपका यूनिवर्सिटी इस ऑप्शंस में है कि नहीं, अगर है तो आप उसको सेलेक्ट करना, वरना जो है आप अदर्स ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे अदर्स अगर चूज करोगे तो एक यहाँ पे ड्रॉप ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, आपको लिखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया। तो यहाँ मैं पाटली पुत्रा यूनिवर्सिटी लिख दिया, उसके बाद रिजल्ट मोड है परसेंटेज, तो एक्चुअली प्रज्ञा का रिजल्ट परसेंटेज मोड में था इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ परसेंटेज। अगर आपका रिजल्ट CGPA मोड में था तो आप वहाँ पे CGPA सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स भरना है, ऑब्टेन मार्क्स भरना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है। तो एक बार आप लोग सब डिटेल्स भर लेने के बाद टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, इंस्टीट्यूट भरने के बाद जो है
आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन भरना है, तो आप लोग नीचे जो सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है वही लिखना है 029 पी कैपिटल 06। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसा कि पहले ही मैंने बताया था JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, साथ ही मिनिमम साइज़ 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 200 KB फोटोग्राफ का। वहीं सिग्नेचर का मिनिमम साइज़ 4 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ 30 KB। तो अब मैं दोनों को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने ये फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया। तो इमेज साइज 9.9 KB इज लेस देन 10 KB, एरर आ गया आप लोग देख सकते हो। तो फिर से हम लोगों को एक दूसरा इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ फोटोग्राफ आ चुका है। कभी कभार एरर आते रहता है, तो उसको उसके लिए आपको फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का साइज़ थोड़ा चेंज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। अब सिग्नेचर की बारी, तो हम लोग सिग्नेचर को चूज फाइल पर क्लिक करके सिग्नेचर चूज करेंगे। पहले तो सिग्नेचर जैसा कि 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8.75 KB है। इसको पहले कोशिश करता हूँ इस बॉक्स में लाने का। तो इस बॉक्स को ऐसे करके डन, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी इमेज फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, एक बार चेक कर लेंगे। तो अपलोड हो चुका है। अब जो है यहाँ पे सिक्योरिटी पिन हम लोग इंटर कर देंगे, जो नीचे लिखा हुआ है 3M05R7। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आर यू डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, तो ये पूछ रहा है कि फाइनली आप अपना डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करना चाहते हो। तो हम क्लिक कर देंगे यस। तो उसके बाद ये कह रहा है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लीजिए, ऐसा इस ये कह रहा है। तो एक बार हम लोग पूरे इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। तो पूरा इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों ने ये सब चीज़ वेरीफाई किया कि नहीं। तो मैंने अपना नाम मीन्स प्रज्ञा का नाम वेरीफाई कर लिया, उसके फादर नेम वेरीफाई कर लिया, मदर नेम वेरीफाई कर लिया, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लिया, जेंडर कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जामिनेशन सिटी अप्लाई फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब मैंने वेरीफाई कर लिया है। आप लोग भी एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लो। एक बार वेरीफिकेशन हो जाए तो उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यस कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है, मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ एक और चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ लिख रहा है योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। सो पहले हम लोग ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे ताकि फ्यूचर में कभी कभार ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ जाती है पासवर्ड रिकवरी के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो 5Y8 ओके सबमिट। तो ईमेल पे एक OTP जाएगा, वो OTP हम लोग को यहाँ अपडेट करना है। तो उसके बाद OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक कर देना है। तो आपका ईमेल वेरीफाई हो चुका है।
अब आप लोग को फी पेमेंट करना है, तो फी पेमेंट के लिए पे एग्जामिनेशन फी RS 1000 करके आ रहा है, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करोगे ऑनलाइन पेमेंट का ही यहाँ ऑप्शन है, तो ऑनलाइन पेमेंट ही सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट, आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये सारे डिटेल्स हैं, 1000 रुपीज़ जो भी है, एप्लीकेशन नंबर, कस्टमर आईडी। सो हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिर से एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग, प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो मैं UPI से ही पे करूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल के उसके बाद जो है मेक पेमेंट फॉर ₹1000 पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल पे जो है नोटिफिकेशन जाएगा। तो 1000 रुपी का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैंने मोबाइल से पे कर दिया। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होते ही कंप्लीटेड का ऑप्शन आ गया। अब हम लोग को जैसा कि बोला गया था डाउनलोड कंफर्मेशन पेज हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अच्छे से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर जानकारी देने की कोशिश किया कि कैसे आप लोग सीटेट का फॉर्म भर सकते हो आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना। ठीक है दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।